किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए. मैं कहती हूँ जो मैं आज हूँ वो मैं किसी की वजह से नहीं हूँ. मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ, जिस तरह की बात करती हूँ, मुझे किसी को प्लीज़ नहीं करना है. किसी को प्लीज़ कर भी नहीं सकते हम. लेकिन बस आप अपना वाइब जो है ना वो अपने साथ कनेक्टेड रखें और बस सुकून से. हाँ, किसी की वजह से फूल बनने की क्या ज़रूरत है. बिल्कुल. लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए. हाँ. टूटनी या छूटनी नहीं चाहिए. लेकिन जो दोस्त शायद छोड़ जाते हैं वो फिर शायद दोस्त नहीं होते हैं. मैंने चीजों के लिए वो नहीं होती थी. आज सोचती भी नहीं थी कि ये लूं वो लूं. लेकिन जब से शादी हुई है पलक ने मुझे हर डिजाइनर ब्रांड से इंट्रोड्यूस कराया है. मुझे हर बैग दिलाया है, शूज दिलाते हैं. जब भी ट्रिप पे जाते हैं मेरे लिए हर चीज लेकर आते हैं. वो काफी एक्सपेंसिव होती है. लेकिन जो सबसे एक्सपेंसिव चीज मुझे पलक ने आज तक दी है वो एक तो मुझे मुंह दिखाई पे पलक ने घर दिया था. पलक ने मुझे अभी भी माशाल्लाह एक सरप्राइज दिया था. पलक ने मुझे अभी रिसेंटली घर दिया. और होए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह. हां, का करम है और सब कुछ इसका. हां बिल्कुल. और हां, पलक ने मुझे अभी फलक दुबई गए हुए थे अपने किसी काम के लिए. तो फलक मेरे डायमंड रिंग आए थे. ओए 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 माशाल्लाह. और तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी महंगी चीजों का शौक है या अब होने लगा है जैसे जैसे फलक गिफ्ट मुझे फलक ने स्पॉइल कर दिया है. मुझे इतना चीजों का ब्रांड्स का नहीं था. लेकिन जब से फलक से शादी हुई फलक कहते तुम डिजर्व करती. क्यों आई थी आप इतना वैसे? आप किसी लव में आई थी भाई? क्योंकि मैं अपने अब्बू को देख रही थी जब शादी वाले दिन. एक बंदा सबके टेबल पे जाके पूछा था आपको मैं कुछ लाके दूँ. मेरा पढ़ना चाह रहा है और मेरी बेटी भी पढ़ना चाह रही है तो मैं अपने बेटे को अपनी बेटी के ऊपर फोकियत क्यों दूँ कि नहीं बेटी की तो शादी हो जाएगी उसमें तो वैसे ही घर बच्चे संभाल ले तो उसकी एजुकेशन का क्या फायदा. एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि बच्ची जॉब करेगी. एजुकेशन आपकी आइडेंटिटी बनाती है, आपकी सोच बिल्ड करती है, आपको अपने ओपिनियन देती है और ये गलत बात नहीं है. बिल्कुल. लोगों को लगता है कि एक स्ट्रांग औरत होना गलत बात है, अपने ओपिनियन होना गलत बात है. कैसे? इफ यू हैव योर ओन ओपिनियंस आप गलत और सही को आइडेंटिफाई कर सकते हो. एक औरत के साथ ज्यादती हो रही है, अगर उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको अपने राइट्स का नहीं पता, तो वो कैसे कहेगी कि नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए. जो हमारे बाप है, जो हमारे फादर फिगर्स है हमारी सोसाइटी में, उनको होना चाहिए कि मेरी बेटी भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितना मेरा बेटा है. लोगों को लगता है बेटे इन्वेस्टमेंट होते हैं. बेटियां भी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं. बेटियां इन्वेस्टमेंट है. जब आप सोचते हो ना कि आपका बुढ़ापा है तो आप ये नहीं सोचते कि मेरे बेटा मेरे पांव दोबारा होगा. आप सोचते हो मेरी बेटी मेरे इतना ख्याल रख रही होगी कि वो अपने ससुराल से मुझे कॉल करेगी, अब्बू आपने दवाई ली, अब्बू आपने ये किया. असल इन्वेस्टमेंट तो बेटियां होती है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं. बिल्कुल. लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए. टूटनी या छूटनी नहीं चाहिए. लेकिन जो दोस्त शायद छोड़ जाते हैं वो फिर शायद दोस्त नहीं होते हैं. किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए. मैं कहती हूँ जो मैं आज हूँ वो मैं किसी की वजह से नहीं हूँ. मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ, जिस तरह की बात करती हूँ, मुझे किसी को प्लीज़ नहीं करना है. किसी को प्लीज़ कर भी नहीं सकते हम. लेकिन बस आप अपना वाइब जो है ना वो अपने साथ कनेक्टेड रखें और बस सुकून से. हाँ, किसी की वजह से फूल बनने की क्या ज़रूरत है. इस वाइब की ये है कि
जब भी मैं इनसे मिलती हूँ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मैं काश में तेरी बेटी ना होती, मैं उनको पहले तो पता था, उनको भी देख के मैं स्टक हो गई थी। बहुत खुशकिस्मती है कि आप लोग हमें देख के ऐसे स्टार स्टक हुए, उनको और थोड़े ड्रामास करने चाहिए, कम ड्रामा करते हैं, कम ड्रामा करते हैं और ड्रामा। रोज तो टीवी पे होता है। दानिश भाई फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, मैंने कभी दानिश भाई को कहीं पे बगैर फैमिली के नहीं देखा। इट्स अ वेरी गुड थिंग, और अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तुम सब बता दो। अच्छी लग रही है, बाल अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, बेहद अच्छे, मैं अच्छा लग रही हूँ। आपसे अच्छा तो कोई भी नहीं ना। आई लव यू। Hello everybody. Hello everybody. Good morning. Good morning. I'm gonna get ready to go for a picnic on the beach. पढ़ना चाह रहा है और मेरी बेटी भी पढ़ना चाह रही है, तो मैं अपने बेटे को अपनी बेटी के ऊपर फोकियत क्यों दूं कि नहीं बेटी की तो शादी हो जाएगी, उसने तो वैसे ही घर बच्चे संभाल ले, तो उसकी एजुकेशन का क्या फायदा। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि बच्ची जॉब करेगी, एजुकेशन आपकी आइडेंटिटी बनाती है, आपकी सोच बिल्ड करती है, आपको अपने ओपिनियंस देती है, और ये गलत बात नहीं है। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि एक स्ट्रांग औरत होना गलत बात है, अपने ओपिनियंस होना गलत बात है। कैसे? इफ यू हैव योर ओन ओपिनियंस, आप गलत और सही को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक औरत के साथ ज्यादती हो रही है, अगर उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको अपने राइट्स का नहीं पता, तो वो कैसे कहेगी कि नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। जो हमारे बाप हैं, जो हमारे फादर फिगर्स हैं हमारी सोसाइटी में, उनको होना चाहिए कि मेरी बेटी भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितना मेरा बेटा है। लोगों को लगता है बेटे इन्वेस्टमेंट होते हैं, बेटियां भी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, बेटियां इन्वेस्टमेंट है। जब आप सोचते हो ना कि आपका बुढ़ापा है, तो आप ये नहीं सोचते कि मेरे बेटा मेरे पांव दबा होगा, आप सोचते हो मेरी बेटी मेरे इतना ख्याल रख रही होगी कि वो अपने ससुराल से मुझे कॉल करेगी, अब्बू आपने